मामला मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के अंतर्गत आने वाले बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के ग्राम बघोली का है, जहां खेत में सिंचाई को लेकर हुए विवाद में दो परिवारों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे पर चाकू, हसिया और पत्थर से हमला कर एक दूसरे को घायल कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना बैतूल थाना बाजार क्षेत्र के ग्राम बघोली की है, जहां दीपावली के दिन रविवार की सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच के आसपास कांग्रेस नेता रमेश गायकवाड़, जो कि एक किसान भी है, पिता कालूजी गायकवाड़ उम्र लगभग 64 वर्ष ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उसका और संतोष पिता गोमा का खेत में शामिल कुआ है, जिसमें दोनों लोग सिंचाई करते हैं। सुबह संतोष दूसरे किसान को सिंचाई के लिए किराए से पानी दे रहा था, जिसे देख रमेश गायकवाड़ ने मना किया कि दूसरे को पानी मत दो, अपने खेत में सिंचाई करो, जिसके बाद संतोष गायकवाड़, हेमलता गायकवाड़, अभिषेक और हिमांशु आए। उनके हाथ में चाकू हाशिया था, उन्होंने गाली देते हुए हमला कर दिया और दांत से भी काटा। इन सभी ने मिलकर प्रवीण को पानी की टंकी में फेंक दिया और उसे चाकू से मार घायल कर दिया। किसान रमेश गायकवाड़ ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद डायल 100 को सूचना दी गई। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना पर बैतूल बाजार थाना के एएसआई जुगल किशोर ने बताया कि बघोली ग्राम में सुबह कुएं के पानी को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दो परिवारों के बीच चाकूबाजी हुई है। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। रमेश गायकवाड़ और संतोष गायकवाड़ पारिवारिक लोग हैं। इनका झगड़ा पहले से चला आ रहा है। आज हुई घटना के बाद घायलों के बयान जिला अस्पताल में लिए गए हैं और रमेश गायकवाड़ ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। संतोष और उसके परिवार के बयान अस्पताल में लेकर मामला दर्ज किया गया है। दोनों ही परिवार के 10 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को जिला अस्पताल बैतूल में भर्ती किया गया है, जहां पर डॉक्टरों द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। हमारा सामने सड़क तक हुआ है, जिसमें उनका भी हमारा भी हिस्सा है। हमने उनको बोला कि पानी बेचना नहीं है, घर के खेत में पानी ले जाओ, उनको मना किया। तो घर से तैयारी से आए और मेरे बच्चे को उन्होंने उठा के टाके में फेंक दिया और चाकू से हमला किया। हम बीच बचाव करने गए तो उन्होंने हमारी पे सब पे वार किया, मेरे पे मार दिया, पैर भी फ्रैक्चर है। बस हमारे पिताजी क्या है, हमारे पिताजी वगैरह की प्रॉपर्टी है, पैतृक भूमि है हमारी, तो उसमें वो पानी बेच रहे थे दूसरे के नाम पे। वो दोनों के नाम से मारपीट इस बात को लेकर हुई कि जब हम हम कुएं से मोटर चलाते हैं तो हमारे को मोटर चलाने नहीं दे रहा था। तो इस बात की पुष्टि के लिए मैं मेरी मम्मी और मेरे पापा जी हम सब खेत में गए कि क्या हुआ ऐसा देखने के लिए। उसने हमारी मोटर बंद कर दी थी रमेश गायकवाड़ ने, और वो हमको धमकी दे रहा था कि तुमको मोटर नहीं चलाने दूंगा ऐसा। वो जिला कांग्रेस किसान अध्यक्ष है बैतूल का, और वो पहले भी वो मेरा कोई नहीं लगता। रमेश गायकवाड़ और संतोष दोनों सगे रिश्तेदार आपस में हैं। एक कुएं के पानी को लेकर झगड़ा मारपीट हुई है, क्योंकि संतोष आज पानी की सिंचाई कर रहा था, जिसको लेकर रमेश वगैरह ने मना किया कि भाई तो अपनी सिंचाई दूसरे को पानी मत दो। दोनों पार्टियों में मारपीट हुई है। एक पार्टी में 6 लोग घायल हैं, एक पार्टी में 4 लोग घायल हैं। एक पार्टी अस्पताल में पहले ही पहुँच चुकी है। रमेश गायकवाड़ की पार्टी यहाँ आई थी, जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया है 294, 323, 324, 506, 534 का, एवं दूसरी पार्टी की रिपोर्ट पर भी फोर्स भेजा गया है अस्पताल में, वहाँ पर भी उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जा रही है।